हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन की बेटा। पल्मोनरी रेस्पायरेशन में जो रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है बेटा? लंग्स होती है, लंग्स होती है। और उसके एग्जांपल्स क्या है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स, ये सुनो, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स इसके क्या है? एग्जांपल्स है। अब बात करते हैं रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट की। अभी वन बाय वन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी बेटा। अगर मैं बात करूं व्हाट इज रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, व्हाट इज रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, तो सबसे पहले क्या आएगा? एक्सटर्नल नेस, ये वाले बात। फिर नेजल चैम्बर, फिर क्या आएगा? इंटरनल नेस, फिर क्या आएगा बेटा? नेजोफेरिंक्स, क्या आएगा? नेजोफेरिंक्स। फिर क्या आएगा बेटा? लैरिंग्स। फिर क्या आएगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया, फिर क्या आएगा? ट्रेकिया, फिर क्या आएगा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, फिर क्या आएगा? ब्रोंकियोन्स। फिर क्या आएगा? एल्वियोलाई। क्या आएगा? एल्वियोलाई। उसके बाद में क्या आएगा? डायफ्राम और लंग्स आएगा। और क्या आएगा? डायफ्राम आएगा। क्या आएगा बेटा? लिखिए एक बार बेटा इसको। ठीक है, बनाइए बेटा इसको। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे बाद में। लिखिए बेटा इसको। डन बेटा। चलिए
अब पढ़ते हैं वन बाय वन। वन बाय वन पढ़ते हैं बेटा। अब एक्सटर्नल लेयर्स के बारे में क्या पढ़ना है, दो होते हैं या तीन होते हैं, चेक कर लीजिए अपने आप, दानिए देखे पता चलता है कि एक्सटर्नल लेयर्स कितने हैं, दो है या तीन है। अरे दो है या तीन है। अरे पड़ोसी के नाक में नहीं अपने नाक में डाल के देखो यार, कितने दो है ना एक्सटर्नल लेयर्स, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ेंगे उसको, बात करते हैं नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर देखिए मैं बनाता हूं, ये वाजिद साजिद वाजिद वाजिद खत्म हो गया ना, उसके ट्रिब्यूट के लिए है। हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ा था, बकल कैविटी को पढ़ा था, आज हमें क्या पढ़ना है नेजल चैम्बर को पढ़ना। क्या पढ़ना है नेजल चैम्बर को पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूंगी ये क्या है बेटा, ये है एक्सटर्नल लेयर्स, ये क्या है एक्सटर्नल लेयर्स, और ये क्या है नेजल चैम्बर। ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर के भी कुछ पार्ट होते हैं बेटा, वेस्टिबुलर पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट होता है और ऑल्फैक्टरी पार्ट होता है। मैं सबसे पहले बात करता हूं रेस्पिरेटरी पार्ट की, किसकी, किसकी, सॉरी वेस्टिबुलर पार्ट की। आप देखते होंगे कि हम थोड़े दिनों बाद में हमारे एक्सटर्नल नेयर से कुछ निकालते हैं सॉलिड सा डार्क कलर का, आपने सोचा है क्या होगा, वो सोचा है कभी नहीं सोचा ना क्या होता होगा। वो होता क्या है बेटा कि जो इस चैम्बर में क्या होता है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होती है, क्या होती है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, और होता क्या है इसमें म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है म्यूकस म्यूकस एंड हेयर्स प्रेजेंट, म्यूकस और हेयर्स। अब देखिए आपने कभी रात में टॉर्च को ऊपर किया होगा या कैमरे की फ्लैश लाइट को ऊपर किया होगा तो आपको बहुत सारी डस्ट दिखाई देती है, है ना, उस फोकल लेंथ में देती है कि नहीं देती। तो क्या हम सांस लेते हैं तो वो चीजें तो अंदर जाती होंगी हमारे पास, डेफिनेटली जाती है बेटा। तो क्या वो हमारे लंग्स तक जाती है, नहीं। होता क्या है बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो जैसे एयर आई हेयर से टकराई, डस्ट पार्टिकल टकराए और टकरा के कहां नीचे गिर गए, नीचे क्या था म्यूकस, म्यूकस ने उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया, और थोड़े दिन में म्यूकस जब सारा वो डस्ट पार्टिकल हो गया तो वो सॉलिड फॉर्म में बदल गया। आप देखिए जितने ही पोल्यूटेंट एरिया में जाओगे आप, पॉल्यूशन एरिया में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, कानपुर में जाओगे आप, बोकारो में जाओगे आप, तो वहां पे बहुत जल्दी वो सॉलिड जो है नाक में म्यूकस बहुत जल्दी सॉलिड हो जाता है और नाक से निकालना पड़ता है, तो वो ज्यादा डार्क कलर का होता है। तो होता क्या है बेटा उसमें जो भी जो हमारा डस्ट पार्टिकल होता है, जो भी इन्वायरमेंट एयर का डस्ट पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल क्या होता है हेयर से टकराएगा, हेयर है से हवा आई टकराया, टकरा के नीचे गिरा, नीचे म्यूकस ने पकड़ लिया, लेकिन म्यूकस के भी एक
लिमिट होती है, जब वो सॉलिड हो जाएगा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। तो वेस्टिबुलर चेंबर का क्या काम है, क्या काम है बेटा? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, बिकॉज म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं, और ये वाला पार्ट होता है इधर वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। वेस्टिबुलर चेंबर, ये डायग्राम बनाइए, इसके पास में थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा इस साइड, आपको पेज पे इस कॉलम में बनानी, इस तरफ बनानी है, ये जगह छोड़ दीजिएगा, नीचे लिखिए वेस्टिबुलर पार्ट और उसके जगह नीचे ये लिखिए बेटा, लिखिए
बना लिया बेटा? अब देखिए बेटा, एक चीज बताइए मुझे, आप श्रीनगर जाते हो सर्दियों के टाइम, या गुलमर्ग या रोहतांग जाते हो, वहां का टेम्परेचर माइनस में होता है, तो क्या ऐसा होता है कि हम जैसे -5 डिग्री है या 7 डिग्री है या 8 डिग्री है, हम उस माइनस के टेम्परेचर को इनहेल करते हैं? ऐसा होता है कभी कि जो माइनस का टेम्परेचर है, मान ले -9 डिग्री सेल्सियस की एयर को हम इनहेल करते हैं? करते हैं क्या है? तो अगर -9 डिग्री करेंगे तो लंग्स तो जम जाएंगे ना यार, ऐसा होता है? फिर हम हवा बाहर निकालते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ हम स्मोकिंग कर रहे हैं, धुआं सा लगता है, क्योंकि गर्म सांस बाहर निकलती है। एक्सहेल जो एयर होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है, बाहर का टेम्परेचर लो होता है उस समय, होता है कि नहीं होता है? होता है। मान लीजिए आप राजस्थान में आ गए, राजस्थान में टेम्परेचर 48-49 के लगभग चला जाता है, 50 भी चला जाता है, तो क्या 50 डिग्री सेंटीग्रेड की जो एयर है उसको हम इनहेल करते हैं? अगर हम उसको इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स जल नहीं जाएंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? देखिए, इसके लिए एक चेम्बर होता है, जो सेकेंड चेम्बर जिसको बोलता हूँ, ये वाला पार्ट, उसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी चेम्बर। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेटरी चेम्बर। और ये रेस्पायरेटरी, पहली तो सबसे पहला क्वेश्चन, लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। दूसरा, हाईली वैस्कुलर। क्या होता है ये? हाईली वैस्कुलर मतलब बहुत ज्यादा इसमें ब्लड सप्लाई होती है। तीसरा, एक्ट एज ए एन एयर कंडीशनर। ये एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। अगर गर्म हवा ली तो उसको ठंडा करेगा, अगर ठंडी हवा ली तो उसको क्या करेगा बेटा? गर्म करेगा। गर्म हवा को क्या करेगा? ठंडा करेगा। और ठंडी हवा को क्या करेगा? गर्म करेगा बेटा। हम बात करेंगे कैसे कैसे करेगा, आप ये लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है बेटा थोड़ा सा। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली बेटा आपके पास? अब इसी के नीचे लिखाऊंगा बेटा मैं, रेस्पायरेटरी चैम्बर की कंडीशन लिखवाऊंगा। पहली कंडीशन है व्हेन वी इनहेल कोल्ड एयर। अगर हम ठंडी एयर को क्या करेंगे? इनहेल करेंगे, तो क्या होगा? देखिए, अब ब्लड सप्लाई
अभी नहीं समझ में आएगा, मैं लिखवा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा. ब्लड सप्लाई टू मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज होने से क्या होगा? हीट रेडिएशन क्या होगा बेटा? हीट रेडिएशन टू एयर एंड एयर गेट वार्मर. नहीं समझ में आया ना आपको? अभी समझाते हैं. देखिए बेटा, ये हमारा नेजल चैम्बर है, तो रेस्पिरेटरी चैम्बर. इसमें नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कर रहा है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना कर रहा है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड का. और जो हमारे, मान लीजिए हमारी जो एयर आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आ रही है. अब एक चीज बताइए, एक ये ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है कितने डिग्री का? 37 डिग्री सेंटीग्रेड का. और ऊपर एक एयर आ रही है वो कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हीट कहां जाएगी? ब्लड से कहां जाएगी? एयर में जाएगी कि नहीं जाएगी बेटा? जाएगी ना भाई. ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है. 37 वाले ने थोड़ा बहुत मान लो 2 या 3 डिग्री इसको दिया, आगे निकल गया. पीछे वाला फिर 37 डिग्री है, उसने कुछ दिया इसको, फिर आगे निकल गया. होता है कि नहीं होता भाई? आप देखते हो जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं उनमें दीवारों में पाइपलाइन होते हैं जिसमें हॉट वाटर का सप्लाई होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो हॉट वाटर के सप्लाई, हॉट वाटर पाइप में सप्लाई होगा और उसके पास में अगर ठंडी एयर आएगी तो वो क्या हो जाएगी? गर्म होगी कि नहीं होगी? सेम थिंग इधर है. तो क्या होगा? जरूर इट्स नॉट लाइक दैट कि इट विल बी द एग्जैक्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट ये 30 के लगभग, 30, 31, 32 के लगभग क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और लंग्स को फिर कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि नीचे बहुत सारी ब्लड सप्लाई ऐसी है. ऊपर ठंडी हवा है, नीचे गर्म है, ऊपर ठंडा है, तो नीचे से हीट रेडिएशन किसमें आएगी? एयर में आ जाएगी बेटा. लिख लीजिए इसको. अब देखिए बेटा, ये तो पहली कंडीशन थी. अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की. व्हेन वी इनहेल वार्म एयर या हॉट एयर, अब क्या होगा बेटा? मैं लिखवा देता हूं, बाद में समझा. म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज
म्यूकस का सिक्रीशन क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, म्यूकस क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब हीट टेकन फ्रॉम एयर। नहीं समझ रहे हैं, समझाते हैं। ये हमारा क्या है, चैम्बर, यहां पे डेंस म्यूकस पड़ा है, डेंस म्यूकस पड़ा है। जैसे ही हॉट एयर आई, जिसका मान लो टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसका कितना है म्यूकस का 37, तो एयर किसके पास आई, और कोई डेंस लिक्विड फॉर्म डेंस है तो उस पे हीट आएगी, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा और निकल जाएगा। तो मतलब हीट कहां से लिया इसने, टेम्परेचर से लिया, एयर से लिया कि नहीं लिया, और अपने आप को ही वेपोरेट कर लिया, या जो सेमी सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सही बात बता रहा हूं ना भाई, यहाँ पे ही नीचे म्यूकस, मान लीजिए आपके पास एक सिंपल रबड़ है और ऊपर से गर्म हवा है, तो रबड़ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, कि उसने क्या लिया है, वहां से हीट को एब्जॉर्ब किया है। सेम थिंग यहाँ पे, तो टेम्परेचर यहाँ पे आते आते कितना हो जाएगा, 39 मान लो, 38 मान लो, एयर क्या हो जाएगी, का कूल डाउन हो जाएगा। तो ये होगा जब हम वार्म एयर को इनहेल करेंगे। लिखिए इसको, देखिए मैम कुछ बच्चे दोबारा पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं बेटा जब हम कोल्ड एयर को इनहेल करते हैं, कोल्ड एयर को इनहेल करेंगे तो जो हमारे रेस्पिरेटरी चेंबर में ब्लड सप्लाई वो बढ़ जाएगी, सर्दियों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, और ब्लड सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या होगा बेटा, वहां पे 37 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है, और जो एयर आ रही है वो कितनी आ रही है, मान लीजिए 0 डिग्री आ रही है, तो 37 और 0 डिग्री है, तो हीट क्या कहां से कहां पे जाएगी, 37 तो किसके पास जाएगी, 0 डिग्री के पास, ब्लड आगे निकल गया, दोबारा ब्लड आया वो 37 का आया, पहले 1 डिग्री मान लो एयर का टेम्परेचर बढ़ा, फिर 2 डिग्री बढ़ा, 3 डिग्री बढ़ा, और धीरे धीरे करते लगभग ये 30+ डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ जाएगा। तो जो कोल्ड ठंड में जाएंगे, कोल्ड एयर तो इनहेल करेंगे, तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम हॉट में जाएंगे, अगर हम हॉट एयर में जाएंगे, हॉट एयर को इनहेल करेंगे, तो वहां म्यूकस का सीक्रेशन ज्यादा होगा। सर्दियों में देखो म्यूकस ज्यादा निकलता है, गर्मियों में नहीं निकलता, क्यों नहीं निकलता, क्योंकि गर्मियों में वो इवेपोरेट या लिक्विडाइजेशन हो जाता है उसका, क्योंकि जो म्यूकस का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है, मोर देन 37 डिग्री, तो वो हीट कहां से लिया, या म्यूकस के ऊपर से गर्म हवा निकल रही है, तो एयर हीट किसके पास गई, म्यूकस के पास, जो सेमी सॉलिड था वो किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में, या इवेपोरेट हो जाएगा। तो एयर से उसने क्या ले लिया, टेम्परेचर को ले लिया, और एयर क्या हो गई, ठंडी हो गई बेटा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, ओके। नाउ अब थर्ड जो चेंबर है बेटा उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी चेंबर। यहां से क्वेश्चन उठेगा बेटा, कंफर्म है,
पाव फैक्ट्री के अंदर। अब आपको पता होगा, चलिए मैं लिख देता हूं, डिटेक्शन ऑफ स्मेल, एक सेंसरी मेम्ब्रेन होती है, ऑल्फैक्टरी सेल्स होती है, जो लाइन विद द सिनेडेरियन मेम्ब्रेन में लिखा दूंगा। आप वेन में बैठ के जा रहे हो, आप बस में बैठ के जा रहे हो, तो आपको पता चलता है कि हाँ इस दीवार के पास में आज किसी ने स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग देके गए हैं सुबह सुबह, पता चलता है ना, तो नाक को बंद कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते, कैसे पता चला? आपने ना देखा ना कुछ सिचुएशन देखी, आप कार में बैठे थे या अपने बस में बैठे थे या वैन में बैठे थे, फिर भी आपको पता चल गया कि यहाँ किसी ने स्वच्छ भारत अभियान में सुबह सुबह सहयोग देके गए हैं। किससे पता चला? किससे? ऑल्फैक्टरी चेंबर से। तो अगर मैं लिखूं इस पे, लाइंड विथ सेंसरी मेम्ब्रेन, और क्या होती है वो? ऑल्फैक्टरी सेल्स होती है। ये क्या होती है, जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। और ये जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक बहुत प्यारा नाम देते हैं, सिनेडेरियन मेम्ब्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्या बोलते हैं? सिनेडेरियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सिनेडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं, समझ रहे हो? ये किसका होता है? ऑल्फैक्टरी का। तो मैंने नेजल चैम्बर के कितने पार्ट बताए? तीन। वेस्टिबुलर, जो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करता है। रेस्पिरेटरी चैम्बर, जो क्या करता है? एयर कंडीशनर का काम करता है। ऑल्फैक्टरी चैम्बर, जो स्मेल डिटेक्शन का काम करता है। लिख लीजिए बेटा। मानो, व्हाट यू वांट टू आस्क, बोर्ड दे मीनिंग, धुआं कैसे निकलेगा मुंह से? धुआं मतलब, अच्छा धुआं, हॉट एयर। बेटा बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है और हम 37 डिग्री के एयर को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो इतने ठंड में कंडेंस हो जाएगी वो, और वो ड्रॉपलेट्स में आ जाएगी। बाहर का 0 डिग्री, हम 37 डालेंगे तो क्या होगा? वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंसेशन में क्या होगा? वो हमें ड्रॉपलेट्स होगा, वो धुआं सा दिखेगा। लिख लिया बेटा? चलिए बेटा, अब बात करते हैं जो मैंने इधर जगह बताई थी उधर लिखना है। अब जो रेस्पिरेटरी चेंबर है बेटा, इसमें स्क्रोल लाइक फोल्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? स्क्रोल लाइक फोल्ड पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं कोंकाई या टर्मिनल। क्या बोलते हैं? इधर लिखना है साइड में, स्क्रॉल लाइक फोल्ड्स, जिनको क्या बोलते हैं? कोंकाई या टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं? कोंकाई या टर्मिनल्स। आप देखिए, ये तीन तरह के होते हैं बेटा। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने उठे हुए यहां से? इंफीरियर इंफीरियर कोंकाई, या इसको एक बहुत प्यारा नाम दिया जाता है, क्या? मैक्सिलरी मैक्सिलरी टर्मिनल्स। क्या बोला जाता है? मैक्सिलरी
प्रेजिनर्स, मैं अभी नाम लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरे को बोला जाता है लेटरल कोंकाई, या एक्मो टर्मिनल्स। या एक्मो टर्मिनल्स। थर्ड को बोलते हैं सुपीरियर कोंकाई या नेजो टर्मिनल्स। या नेजो टर्मिनल्स मतलब ये स्क्रोल लाइक फोल्ड होता है लाइक दैट। अगर मैं बात करूं यहां पर ऐसे, ये कौन, सॉरी ये कौन सा है, रेस्पिरेटरी चैम्बर। तो बेटा याद रखना क्वेश्चन ये आया था कि इंफीरियर कोंकाई और एस्मो टर्मिनल्स आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी चैम्बर। प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी चैम्बर। और सुपीरियर किसमें पाया जाता है, प्रेजेंट इन ऑल्फैक्टरी चैम्बर। प्रेजेंट इन ऑल्फैक्टरी चैम्बर। देखिए इंफीरियर कोंकाई या मैक्सिलरी टर्मिनल्स के दोनों कहां पाए जाते हैं, ये वाला पार्ट। तो मैं अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट और सेकंड यहां पे है और थर्ड यहां पे, स्टोन लाइक फोल्ड मतलब ऐसे अप्स एंड डाउन जिनको कोंकाई और टर्मिनल्स बोलते हैं। तो इंफीरियर और लेटरल कहां प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी चैम्बर में होते हैं। और जो सुपीरियर कोंकाई और नेजो टर्मिनल है वो कहां होते हैं, ऑल्फैक्टरी चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, ठीक है, बनाइए इसको। एक्मो टर्मिनल, ETHAMOTURBINALS, एक्मो टर्मिनल्स। क्योंकि कोंकाई को हम टर्मिनल्स बोलते हैं ना, तो इंफीरियर को मैक्सिलर टर्मिनल्स बोलेंगे, लेटरल को एक्मो टर्मिनल्स बोलेंगे और सुपीरियर कोंकाई को नेजो टर्मिनल्स बोलेंगे बेटा।
डन बेटा, चलिए बेटा आप आज जो पढ़ाया वो समझ में आया आपको? ओके बेटा, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। बाय, टेक केयर।